हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा ओप्पो फ़ोन है तो ओप्पो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में वाईफाई असिस्टेंट सेटिंग है तो वाईफाई असिस्टेंट सेटिंग को आप कैसे सेट कर सकते हैं अपने ओप्पो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप कर लेना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे इस तरीके से, फिर आपको सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में वाईफाई असिस्टेंट सेटिंग है, तो वाईफाई असिस्टेंट सेटिंग को आप सेट कैसे करेंगे? सिंपली हमारी फ़ोन की सेटिंग्स शो हो रही होती है जहाँ से हमने वाईफाई असिस्टेंट सेटिंग है उसको सेट कैसे कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पर सर्च करना है वाईफाई असिस्टेंट, तो हमें सर्च कर लिया, शायद नहीं हो रही है। तो सिंपली आपको वाईफाई सर्च कर लेना है फिर। आपको वाईफाई ही सर्च कर लेना है। तो यहाँ पर वाईफाई सेटिंग आई, इसको ओपन कर लेंगे। जहाँ से इसको ऑन करते हैं तो वाईफाई असिस्टेंट सेटिंग शो हो जाती है। यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं, ऐसे ऑटो कनेक्ट टू वाईफाई, बेस्ट वाईफाई को ऑन ऑफ कर सकते हैं, या फिर ऑटो स्विच टू मोबाइल नेटवर्क को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, या फिर ड्यूल एक्रेशन चैनल आ जाता है इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से आप वाईफाई असिस्टेंट सेटिंग को आप सेट कर सकते हैं अपने ओप्पो फ़ोन में। और साथ में सर आपको सेटिंग्स नहीं मिलता, फ़ोन की सेटिंग्स में जाकर भी इसको सेट कर सकते हैं। सिंपली हमारी फ़ोन की सेटिंग्स तरीके से ओपन हो जाती है, आप देख सकते हैं ओपन हो गए हैं। फिर आपको जाना होता है वाईफाई पे, तो वाईफाई पे जाते ही हमारे पास असिस्टेंट सेटिंग आ जाएगी, जहाँ से अपने वाईफाई की असिस्टेंट सेटिंग को आप सेट कर सकते हैं। सिंपली ऑटो कनेक्ट टू बेस्ट वाईफाई ऑप्शन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, या फिर ऑटो स्विच टू मोबाइल नेटवर्क को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, या ड्यूल चैनल एक्सेलरेशन को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से आप वाईफाई असिस्टेंट सेटिंग को आप सेट कर सकते हैं ओप्पो फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू।